हेलो फ्रेंड्स, आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII से रिलेटेड। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इस बॉडी का काम होता है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड इनपुट्स देना, और इन्हीं इनपुट्स को फॉलो करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज अपनी पॉलिसीज बनाती है। न्यूज़ ये है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ऑटोनोमस स्टेटस छीना जा सकता है और उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से बाहर किया जा सकता है, अलग से डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो देश के अंदर जो 194 ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ मतलब वो बॉडीज़ जो कि गवर्नमेंट के बिना इंटरफेरेंस के या बहुत कम इंटरफेरेंस के काम करती हैं, तो देश के अंदर 194 ऑटोनोमस बॉडीज़ को गवर्नमेंट 26 बॉडीज़ में कन्वर्ट करना चाहती है, मतलब कि कम करना चाहती है। गवर्नमेंट ये स्टेप इसीलिए ले रही है क्योंकि ऑटोनोमस बॉडीज़ जो हैं वो बहुत कम अकाउंटेबल होती हैं। अकाउंटेबल मतलब बहुत कम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सारा पैसा वो टैक्सपेयर की मनी का यूज़ करती हैं लेकिन अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बिना गवर्नमेंट के चलाती हैं, तो इसीलिए बेसिकली ऐसा स्टेप लिया जा रहा है। और भी बहुत सारे इशूज़ हैं ऑटोनोमस बॉडीज़ से रिलेटेड, जैसे कि रिक्रूटमेंट का इशू। ये बॉडीज़ अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हैं रिक्रूटमेंट के टाइम, तो ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिफॉर्म कर रही है। 194 ऑटोनोमस बॉडीज़ को 26 ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से हटाया जा रहा है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए पीडी गुरुकुल के सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे जाकर अगर आपको ये वीडियोस को रिवीजन करना हो तो आप अपने YouTube के लाइक सेक्शन में जाके इन वीडियोस का रिवीजन कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।